संसद में इस समय बजट सत्र जारी है। बुधवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद थे। वे एक नीले रंग की जैकेट पहनकर संसद भवन पहुंचे थे। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी समूह के मुद्दे पर अपनी बात रखी और गरीबों का हवाला दिया। उन्होंने सरकार पर गरीब विरोधी होने के आरोप लगाए, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर चर्चा उनके लुईस व्यूटन के महंगे शॉल पर होने लगी। इस शॉल को लेकर बीजेपी नेताओं ने नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर अन्य यूजर्स ने भी खड़गे को ट्रोल करना शुरू कर दिया। बीजेपी का दावा है कि यह मफलर या शॉल फ्रांस के ब्रांड का है और इसकी कीमत 56,000 रुपए है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस शॉल की तुलना पीएम मोदी की जैकेट से की जा रही है। पीएम मोदी जो जैकेट पहनकर पहुंचे थे उसे बोतलों को रिसाइकल करके बनाया गया था। बेंगलुरु के इंडिया एनजी वीक के उद्घाटन के मौके पर उन्हें ये जैकेट गिफ्ट के रूप में मिली थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने उन्हें उपहार में ये जैकेट दी थी। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर असिस्टेंट को भी यही जैकेट दी जाएगी। इंडियन ऑयल ने 10 करोड़ बोतलों को रिसाइकल करने का प्लान बनाया है।